लिवर के दर्द को कैसे पहचाने, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि भाई मेरा फैटी लिवर है, या मैं अल्कोहल लेता हूँ, या मुझे पहले हेपेटाइटिस हो गया था, या मुझे बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो आखिर मेरा लिवर तो ख़राब नहीं हो गया है, लिवर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और जनरली एक आम धारणा ये है कि यदि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम्स की कुछ प्रॉब्लम है, कब्ज़ रहती है, या फिर खाना नहीं पचता, या भूख अच्छे से नहीं लगती, या हमारी हेल्थ डेवलप नहीं हो रही है, मसल्स नहीं आ रहे हैं, तो जनरली लोग सोचते हैं कि हमारा लिवर ख़राब है, लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, और वो लिवर से संबंधित कुछ लिवर टॉनिक लाइक लिव 52 या कुछ और दूसरी दवाइयाँ ले भी लेते हैं। बट इस तरह की दवाइयाँ लेना या इस तरह की थॉट रखना बहुत साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि जनरली लिवर बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस है मेडिकल साइंस के सामने, कि ना ही तो लिवर जल्दी से ख़राब होता है और ना ही जल्दी से वो संकेत देता है, सिम्टम्स दिखाता है, हमें पता लगता है। यानी एक रिसर्च के अनुसार 70% लोगों को फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ऑफ द लिवर डिसीज़ में कुछ भी पता नहीं लगता, कुछ भी सिम्टम्स नहीं आते। इसको दूसरे तरीके से समझेंगे आप, कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ओबीज लोग या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम वाले जो लोग होते हैं, या डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम्स वाले जो लोग होते हैं, उनका लिवर ग्रेड 1 में, फैटी लिवर ग्रेड 1 या 2 में होता है, लेकिन कोई भी सिम्टम्स उनको नहीं आता, कुछ दूसरे कारण बस। कोई अल्ट्रासाउंड कराने जाता है और तो डॉक्टर बोलता है कि भाई आपका तो फैटी लिवर है और ग्रेड 2 है। बहुत सारे लोगों का ग्रेड 2 के साथ और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो फिर वो डॉक्टर को विज़िट करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में ऐसा ज़रूर है कि सेकेंड स्टेज में या कुछ केसेस में फर्स्ट स्टेज में भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, और लिवर का एक दर्द एक कॉमन सिम्टम्स होता है, बहुत ही नीचे वाला रीज़न है, उधर आपका लिवर होता है, और रिब्स के निचले वाले रीज़न में यदि आपको इस रीज़न के अंदर दर्द आता है, खिंचाव आता है, तो फिर ये लिवर का दर्द हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है लिवर के दर्द के साथ, कि यदि हमें गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो भी हमारे उसी रीज़न में दर्द होता है, यदि हमें पेनक्रियाटिस है तो भी उधर ही दर्द हो सकता है, यदि हमें नमूनिया है, टीबी है, लंग्स का कोई इन्फेक्शन है तो भी उधर दर्द आ सकता है। तो बहुत सारी दूसरी कंडीशंस के साथ हम लिवर के पेन को मतलब एसोशिएट करते हैं, उसके कारण एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम्स हैं तो भी उधर दर्द हो सकता है, एब्जॉर्प्शन। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लिवर का यदि ये सिम्टम्स आपको मिलता है, इस रीजन में आपको दर्द होता है, तो आप ये कंसीडर करें, ये मान के चलें कि आपको लिवर के फंक्शनिंग में, यानी लिवर में कुछ खराबी है, क्योंकि लिवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन्स है। मोर देन 500 फंक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिवर से संबंधित हैं, और लिवर उनके लिए जिम्मेदार है। सबसे पहला है डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, प्रोसेसिंग करता है, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और उसके बाद आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपका डाइजेशन है, जो आपका एब्जॉर्प्शन है, वो काफ़ी हद तक लिवर की फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है। और सबसे जो बड़ा ग्लाइकोजन को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यानी आपने देखा होगा कि यदि फैटी लिवर है आपका या अल्कोहलिक फैटी लिवर है, तो शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती लोगों का, शुगर बढ़ा रहता है, बीपी बढ़ा रहता है, और फिर कुछ और आपके मतलब वाइटल्स हैं वो बढ़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही लिवर की फंक्शनिंग नॉर्मल होती है, लिवर ठीक होता है, तो आपका शुगर भी कंट्रोल में आ जाता है, वेट भी कंट्रोल में आ जाता है, डाइजेशन भी बेटर हो जाता है आपका, आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी भी इन्हांस हो जाती है, हीमोग्लोबिन भी आपका रेगुलेट हो जाता है, प्लस आपको जो डकार आते हैं, जो आपको उल्टी होती है, जो आपका दर्द होता है, वो भी चला जाता है। और कई बार देखा जाता है कि लिवर यदि इन्फेक्टेड है तो फिर जॉइंटिस आ जाता है दर्द के साथ, तो वो भी एक कंडीशन है। तो इन सब से बचने का एक सीधा सा तरीका ये है कि यदि आपका वेट बढ़ रहा है, आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है, लगातार आपको पेट में दर्द रहता है, और आपके लेफ़्ट रिब्स के नीचे यदि आपको दर्द आता है, तो आप ये कंसीडर करें कि आपका लिवर फैटी है या आपका लिवर इन्फेक्टेड है। इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि फैटी लिवर डिसीज़, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, वायरल हेपेटाइटिस, या लिवर का बुखार उसे माने, या इन्फेक्शन आप माने, तो ये सब रीज़न होते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन यदि इस तरह का सिम्टम्स रहता है लगातार, तो फिर आप इमीडिएटली स्कैन कराएं या अपने डॉक्टर को अप्रोच करें, और आप फैटी लिवर का जो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जो प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करें।
फैटी लिवर डिसीज़, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक दोनों हमारे चैनल पे वीडियो हैं, फिर वो आप देख सकते हैं जिससे कि आप अपने लिवर को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।